अच्छा, ट्रेन में आप जब सफर करो ना, आपको अलग अलग तरीके के आदमी मिलेंगे। कुछ तो डेली पैसेंजर होते हैं जो डेली जाते हैं, जिनकी जेब में ताश की गड्डी होती है, चार छह लोग होते हैं, अपना सूटकेस होता है टांगों पे रखे, उन्हीं पे पत्ते वत्ते खेलते हैं। एक आदमी आपको ऐसा जरूर मिलेगा ट्रेन में जो बैठा रहता है, उसको सारी नॉलेज होती है। जो सिंगल वाली सीट होती है ना, वहां पे बैठा रहता है। मान लो अगर कहीं तकदीर बदल रहा होता अपनी गाड़ी में बैठा बैठा, पता नहीं क्या कर रहा होता है, ट्रेन अगर कहीं रुक जाए उसका कमेंट आता है, अभी आउटर में खड़ी है, राजधानी क्रॉस करेगी तब निकलेगी। स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा देर खड़ी हो जाए, वहां पे भी उसका कमेंट आता है, इंजन चेंज होगा अभी, तेरा भी इंजन चेंज करने वाला हुआ है। गाड़ी धीरे चले तब भी कमेंट आता है, अभी 2 घंटे डिले चल रही है, रात को कवर करेगी। पूरी नॉलेज होती है उसको, पूरी नॉलेज। और स्टेशन पे जब सारी सवारियां उतर रही होती ना, ये अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, फिर दूसरा पान वाला बोल रहा है वो पिछले स्टेशन पे उतर गई, जी मेरे से ज्यादा गाड़ियों का ध्यान रखता है, उतर गई। अच्छा, एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बड़ा फेमिलियर बनने की कोशिश करता है सबके, आपके बड़े काम भी कर देगा, ऐसे आप आएंगे सामान उठा के ऊपर रख देगा, नीचे रख दूं, इधर रखना, किधर रखना, बताइए बच्चा, चाप मेरे को पकड़ा दे बहन जी। ऐसा हम्बल आदमी जब आपको मिले ना, समझ जाओ ये वेटिंग लिस्ट वाला है। और कुछ तो वेटिंग लिस्ट वाले इतने छाने होते ना, वो बताते नहीं किसी को कि हम वेटिंग लिस्ट में, वो चुपके से जाते, 3 आदमी बैठे ना तो अपना एक पीस ऐसे धीरे से टिका के ना ऐसे बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे आधा एडजस्ट कर लेते हैं, वेट कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेन झटका मारती पूरा इधर। अरे कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, उनको पता होता है कि ये वैसे वेटिंग वाले आते हैं, वो जान के ऐसे लोगों को देख के ना पूरी ट्रेन में ऐसे लेट जाएंगे। वो भी ढीठ होते हैं, वो भी उनके पैरों को थोड़ा सा पीछे करके ना ऐसे करके बैठ जाएंगे, उनकी जूते की नोक चुभती रहे, वो नहीं हिलते, तो अपना सफर काटने से मतलब है। जिनके पास कंफर्म टिकट होता है ना, फिर भी कई बार दिल को तसल्ली देने के लिए ना रिजर्वेशन चार्ट चेक करते रहते हैं, और जो वेटिंग वालों का टिकट कंफर्म हो जाए, उन्हें तो इतनी खुशी होती है जैसे IAS क्लियर कर लिया उन्होंने। एक्चुअली ऐसे होता है। और कुछ लोग तो मेरे जैसे वैसे ही रिजर्वेशन चार्ट चेक करने चले जाते, कंफर्म भी होती टिकट खाली देखने के लिए, बगल में लड़की बैठी कोई, अपनी टिकट के साथ देखते हैं ना सरोज, खुश हो जाते हैं, पर इनकी किस्मत बुरी होती है, सरोज नाम का भी लड़का ही निकलता है, नियत में वोट है ना। जैसे दिनेश है ना, ये अपना मुंबई से जा रहा था अमृतसर, तो एक लड़की आई ऐसे सूटकेस लेके बड़ा खुश, अरे लाइए ना मेरे बस, धीरे धीरे सारे कंबल उठा के रख दिए, कहती आप अमृतसर जा रहे हैं, हाँ जी अमृतसर जा रहे हैं, कहती ओके ओके, बीजी 80 साल की दादी बुला ली अपनी, भैया भी अमृतसर जा रहे हैं आपका ख्याल, भैया इनका ख्याल रखना प्लीज। बूढ़ी अम्मा आगे बेचारी कहती, इतनी बेटा अमृतसर जा रहे हो, कहते जाना तो था, मामा जी की तबीयत खराब हो गई, पानीपत उतर जाऊंगा। अरे सबसे मुश्किल होता है ट्रेन में टॉयलेट यूज करना, क्योंकि गाड़ी छपक छपक खिलती रहती ना, तो डिपेंड करता है कि टॉयलेट का मुंह किस तरफ है। गाड़ी अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है, अगर एक तो इस तरफ जा रही है गाड़ी, तो ऊपर से टॉयलेट इस तरफ बना हुआ है, तो गाड़ी इधर इधर हिल रही है, आप इधर इधर बैठे हो, आदमी उस समय सॉरी बट इट्स रियलिटी उस समय जो आदमी बैठा अपना जो परफॉर्मेंस दे जाता है ना, जिसने वहां पे बैलेंस बना लिया, समझो उसका जिंदगी में कभी बैलेंस खराब ही नहीं हो सकता। कई बार ना ट्रेन का जो दरवाजा होता है उसका, कई बार बाथरूम का जो दरवाजा होता है चिटकनी नहीं होती, तो वहां पे जुगाड़, इंडियन लोग जुगाड़ लड़ाने में माहिर हैं, फिर एक पैर दरवाजे पे लगा के ना बाथरूम वगैरह जाते हैं जब लोग। अच्छा, फ्लाइट में जो नया सफर करते हैं या कंफ्यूज बड़ा होते हैं, क्योंकि कई बार टिकट के अंदर इंक्लूड होता है ना फूड, तो कई बार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तो सब मेरे जैसे जो पहली दूसरी बार बैठे रहते ना, उनको ये होता है कि एयर होस्टेस आगे खाना लेके ना
उनके एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं फिर। अभी बगल में भी नहीं आती तो हाथ उनके पहले ऊपर आ जाते हैं। अंग्रेज लोग, गोरे लोग जो जाते हैं फ्लाइट में, उनको देख लो, वो किसी से उनको मतलब नहीं होता भी। हमारे लोग ज्यादा जाते हैं फ्लाइट में, जो मिल लिया खा लिया पी लिया, सबसे ज्यादा बाथरूम भी यूज करते हैं। जो गोरे लोग होते हैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं, अपनी सारी बुक पढ़ जाते हैं, ग्रीन टी ज्यादा ज्यादा ऑर्डर करते हैं, बाथरूम में नहीं जाते, वो भी ऑनलाइन करते हैं वो लैपटॉप व्हाटएवर जो भी उनका होता है ना। अच्छा, हम लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कौवे कबूतर होते देख लो कितना मजा आता है इनको, जितनी देर उड़ा उड़ा थक गए तो ऐसे भैंस के ऊपर बैठ गए, इंजॉय करते हैं। ज्यादा तेज जाना हो तो कुत्ता कर लेते हैं, जैसे हम रिक्शा करते ना, बहुत बार देखा होगा आपने कबूतर बैठा रहता है कुत्ते के। अच्छा, हिल स्टेशन पे बड़े सारे जोड़े घूमने जाते हैं ना, जो एक जोड़ी ऐसी जरूर होती है जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है। अच्छा, एक ऐसे भी कभी कभी बहुत बार होता है, आपने नोटिस किया होगा, जिस लड़की ने सारी उम्र सलवार सूट के अलावा कुछ नहीं ना पहना, वो सडनली हनीमून पे जींस पहन लेगी, है ना। कई तो भाइयों की ले आती, खुले पहुंचे वाली ना, जेंट्स जीन पहन के चलती आती है। तो कई कई नहीं लेके आती, फिर पति की भी पहन लेती, होता है। तो नॉर्मली आदमी दो ही जींस कैरी करता है कि चलो जींस तो रिपीट कर ही सकते हैं। फिर एक आदमी ने पहनी है, एक उसकी बीवी ने पहनी है, बारिश हो गई, दोनों गिल्ली हो गई, पता चलता है बाद में पति बैठा होटल के कमरे में, बीवी का सलवार सूट पहन के तीन सूखने की वेट कर रहा है। अच्छा, देखना आप कभी हिल स्टेशन पे जो जोड़े जाते हैं ना, दो तरह के जोड़े जाते हैं, एक तो वो होते जो फैमिली बनाने जाते हैं, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई होती है, और एक वो होते हैं जो फैमिली बना के आए होते हैं। इनमें फर्क देखना आप क्या होता है कि जिनकी तो नई नई शादी हुई ना, उनको कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं आपस में, एक ही कुल्फी ली दोनों खा रहे हैं, पूरा ले रहे हैं अपना, एक ही आइसक्रीम, पूरा इंजॉय करते हैं, उनको बाकी सब चीजें बैकग्राउंड में होती हैं, बादल पहाड़ फूल पत्तियां। और जिनकी शादी को 7-8 साल हो गए ना, एक आध छोटी मोटी प्रोडक्शन हो गई, उनका अलग ही होता है, पति अलग ही पहाड़ों के नजारे ले रहा होता है, अकेला ही चल रहा होता है, पति 10 मीटर आगे चल रहा होता है, पीछे बीवी 3 साल के बच्चे को टांगे उठा के ससुराल चल बेटा। अच्छा, हम कहीं पे भी दुनिया में घूमने चले जाएं, एक बड़ी बीमारी है, हम खाना अपना देसी ढूंढते हैं। हाँ हाँ। जैसे अगर राजस्थान का आदमी पेरिस चला जाए ना, सारा दिन तो एफिल टावर देख के कुछ रहेगा, शाम को वहां से अंग्रेजों से पूछ रहा होता है, भाई ये गट्टे की सब्जी कट्ठे मिलेगी। गुजराती लोग नहीं ढूंढते, गुजराती लोग अपना साथ में लेके चलते हैं, इतने ढोकले फाफड़े ले जाते ना साथ में, कई बार तो एयर होस्टेस को बेच देते हैं, ए तुम्हें खरीदू छू। अच्छा, आप देखना कभी ना जो किटी पार्टीज होती ना, उसमें लेडीज कई बड़ी फुकरी मारती हैं, दिस ईयर ना आई विल गो स्विस, माई सिस्टर लिव्स देयर ना, तो स्विस जाएंगे, मतलब आई मीन हमको तो सूट ही वही करता है। दूसरी बोलती है ओ स्विस, हम लोग तो पेरिस में प्लान कर रहे हैं, नहीं मेरे हस्बैंड में वेटिंग फॉर वीजा ना यार। पता तब चलता है जब दोनों सहेलियां देहरादून में मिलती ना, वहां पे बैठी पैडल वाली नाव चला रही होती ना, जब सामने मिलती है वीजा का प्रॉब्लम हो गया ना, फिर शर्मिंदा भी नहीं होती। कुछ चीजें इतनी सिमिलर होती ना, ताजमहल चले जाओ ना आप, जो नए जोड़े जाते हैं सब फोटो जरूर खिंचवाते हैं, वैसे चोंच पकड़ के नए नए तो खिंचवा लेते हैं, एक हाथ बीवी इधर इधर चोंच पकड़ी है, फिर 10-12 साल बाद लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं ना, बीवी जब वो फोटो देखती है चोंच पकड़ी और मुझे ऐसे किया, फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है, ये मरमरा रहे थे तब तो चोंच पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाते थे, अभी क्या मौत पड़ गई तुम्हें। पति भड़कता है, तब पता नहीं था ना तेरी चोंच इतनी लंबी हो जाएगी। अंग्रेज लोग सफर का एंजॉय करते हैं, हमारे लोग तो इतना सामान लेके दिल्ली तक जाना होता ना, 4 सूटकेस भर लेंगे, स्टेशन पकड़े पागलों की तरह, बिट्टू किधर है, औरत अपनी साड़ी संभाल रही, हाय हाय मुन्नी किधर चलेगी, उनको अपना ही नहीं सामान संभाला जाता, सामान की पैकिंग करने में 2 दिन लगते हैं, उनको सफर 1 दिन में खत्म हो जाता है, बड़ा सा सूटकेस उसमें भी वो पति के भी 12 कच्छे भरने हैं, तौलिया चद्दर तकिया तक कुछ लोग अपना लेके जाते हैं, उनको दूसरे तकिए में नींद नहीं आती, फिर ऐसे बच्चे की हेल्प लेते, बच्चा बैठता है पापा मैं बैठता हूँ जिप बंद करो, फिर जिप बंद करते हैं, बाद में अंदर से आ रहे मैं अंदर रह गया, फिर बच्चा निकालो बाहर, मतलब इतनी टेंशन लेते ना। गोरे लोग इंजॉय करते हैं, इतनी सी कैपरी पहनी है वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी अपना पिट्ठू बैग डाला उसने, पूरा यस नाइस पूरा इंजॉय करते हैं, हमारे लोग इसी टेंशन में रहते हैं हरा वाला सूटकेस किधर रह गया, तो यही टेंशन रहती है।
कहीं तो बर्तन भी साथ में लेके चलते ना, तो फिर आस पड़ोस में जो सफर वाले बैठे रहते हैं उनके साथ भी। अंग्रेज लोग किससे बात नहीं करते ना, किताबें विताबें, हमारे तो पानीपत से दिल्ली तक रिश्ते भी तय कर देते कहीं कि आपकी बेटी बहन जी, हाँ जी कितना पढ़ी लिखी है, तभी तो ये हिंदी में एम ए कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे बेटे ने भी मैथ में कर रहा है, इस साल तो चलो फेल हो गया पर अभी। कई एक दूसरे को बर्तन भी यूज करने के लिए दे देते हैं, फिर जब अपना सामान लेके लेते गिलास की भी टेंशन होती, गिलास रह गया चलती ट्रेन में। अच्छा आप देखना, कभी ना छोटे शहरों में अंग्रेज आ जाए ना, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं गोरे गोरे लोग देख के ना, उनको देख के वैसे ही चिल्लाने लगते हैं, उनको लगता है ये अलग आदमी है। ओए अंग्रेज, हेलो, मेरी भी फोटो खींचो। अंग्रेजों को समझ नहीं आता नारी केस तेरी। अच्छा आप सब लोग भी ट्रैवल करते ही होंगे, आपके भी कुछ मजेदार किस्से होंगे, ऐसे ही शेयर करते हैं अगर आपका दिल करे तो। कोई है मेरे दोस्त? यस मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हाय सर, मैं सोलो ट्रिप स्विट्जरलैंड में गई थी तो। हैं? मैं कभी नहीं गया। चलिए सर साथ में। हैं? टिकट मेरी खर्च दोगे आप? अच्छा सोलो ट्रिप पे गई? कंपनी रिइंबर्स कराएगी ना। अच्छा टूर बनाएंगे हम लोग। कपिल क्या हो रहा है? मैं फिल्मों में देखा, कभी नहीं गया स्विट्जरलैंड। चलते हैं, खैर अभी कहानी सुनिए। हाँ। अच्छा तो बेसिकली तो आप अकेली गई स्विट्जरलैंड? मैं सोलो ट्रिप करती रहती हूँ। अच्छा हाँ, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मुंबई की? मैं हूँ लखनऊ के, पर दो साल से मुंबई में हूँ। अच्छा तो इधर भी सोलो ही है? नहीं हस्बैंड है। वाकई में सोलो? तो फिर दीदी आप अकेली की गई? दीदी नहीं, हस्बैंड आपके उधर बैठे हुए हैं तो और क्या? मैं सवाल लूंगी दीदी ले। हेलो जीजा जी। नहीं पंगे किसी से नहीं लेता मैं थोड़ा जी। अच्छा सो इंटरलेकन में बैठी थी, ट्रेन का वेट कर रही थी दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए, तो एक चाइनीज बंदा भी बैठा हुआ था। अच्छा। तो जस्ट फॉर द कंफर्मेशन मैं उससे पूछ रही थी क्या टाइमिंग पे ट्रेन आएगी, लाइक ओके। तो ट्रेन आई, उससे बात करते फ्लो में मैं उसी के साथ कंपार्टमेंट में घुस गई। अच्छा तो मैं जस्ट अंदर जाने वाली थी कंपार्टमेंट में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सेकंड क्लास नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेकंड क्लास का पास था। अच्छा। तो मैंने सोचा ये फर्स्ट क्लास है, कहता हाँ। आई वाज लाइक इसके पास फर्स्ट क्लास है, मेरे पास सेकंड क्लास है। मैंने लाइक ठीक है, फिर मैंने कहा अब तो मेरी पेनाल्टी लगी। वो फ्लर्ट कर रहा था, व्हाट्स योर एज? चाइनीज। हाँ, व्हाट्स योर एज? यू लुक स्मॉल बट योर एज बिग। मुझे पेनाल्टी का टेंशन हो रहा था कि अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे, तो बोलता नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। और जैसे ही मैं नीचे उतरी उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड ही जस्ट ड्रैग मी। लेकिन लास्ट में हम लोग पकड़े गए तो उसके पास उसने थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट किया कि अच्छा थोड़े से तुम्हें दे देता हूँ तेरे पेनाल्टी के और तू दे दे। तो फिर बस इतना ही था कि वो तो अच्छा निकला फिर आदमी तो अच्छा क्या निकला, उसके चक्कर मेरा तो लग गया ना पेनाल्टी। हस्बैंड दूर क्यों बिठाए हुए हैं आपने? हाँ? उन दूर क्यों बिठाया हुआ है? घर में तो साथ ही रहते हैं ना। मतलब वहाँ पे भी राधा है कि और घर में शिफ्ट करने का इनको? नहीं अब ठीक है, अब जो है सही है। अच्छा तो बड़े यार क्यूट हो आप दोनों। शुक्रिया शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू।